दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दोस्तों का बादशाह भाई यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2023 का दूसरा क्वालिफायर मुकाबला यानी कि दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाना है, जो कि गुजरात टाइटन वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच में होने वाला है, जहाँ पर गुजरात टाइटन अपना पिछला मुकाबला हारी है चेन्नई सुपर किंग्स से, वहीं मुंबई इंडियंस ने अपना पिछला मुकाबला लखनऊ को शानदार तरीके से हराया है। बात करें दोस्तों दोनों टीमों के बारे में, तो गुजरात टाइटन ने टोटल आईपीएल 2023 में 15 मुकाबले खेली, जिसमें से दोस्तों बात करें तो 10 में विन की है और 5 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। वहीं दोस्तों बात करें जाए मुंबई इंडियंस के बारे में, तो मुंबई ने टोटल 15 मुकाबले खेले हैं, 9 मुकाबले में विन की है और 6 मुकाबले में दोस्तों इसे हार का सामना करना पड़ा। बात करें ग्राउंड के बारे में, तो ये मुकाबला आप सभी दोस्तों को देखने को मिलने वाला है श्री नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में, यानी कि गुजरात के होम ग्राउंड पर ये मुकाबला खेला जाना है। और ये ऐसा मुकाबला होगा जो भी दोस्तों टीम हारेगी वो दोस्तों सीधे बाहर हो जाएगी, और जो जीतेगी वो दोस्तों फाइनल खेलने वाली है। बात करें गौरव दोस्तों पिच रिपोर्ट के बारे में, तो फर्स्ट बैटिंग एवरेज 168 तथा सेकंड बैटिंग एवरेज 156 के आसपास अभी तक देखने को मिला है, जबकि गुजरात में दोस्तों हाईएस्ट स्कोर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 227 रन बनाया गया है और लोवेस्ट स्कोर मात्र 123 रन देखने को मिला है। वहीं हाईएस्ट चेज 207 रन रहा है और लोवेस्ट डिफेंडेड स्कोर 168 रन देखने को मिला है अभी तक। हेड टू हेड के बारे में बात करूं, तो दोनों टीमों का अभी तक 3 बार आमना सामना हुआ है, जिसमें से दोस्तों गुजरात टाइटन सिर्फ 1 मुकाबले और मुंबई इंडियंस की टीम 2 मुकाबले विन कर चुकी है। कहीं ना कहीं दोस्तों हेड टू हेड में मुंबई इंडियंस का थोड़ा सा पलड़ा हमें भारी नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा। चलिए बात करते हैं दोस्तों दोनों टीमों के कुछ की प्लेयर्स के बारे में, जो कि आज के इस बेहतरीन मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करने वाले हैं, जहाँ पर दोस्तों गुजरात टाइटन की तरफ से हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल, डेविड मिलर और विद्यमान साहब बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। वहीं पर दोस्तों राशिद खान, करामती खान भी दोस्तों बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले हैं। वहीं गेंदबाजी से मोहम्मद शमी बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं, जबकि नूर अहमद से भी दोस्तों अच्छी गेंदबाजी की कयास लगाई जा रही है, जबकि एक और मीडियम फास्ट गेंदबाज के रूप में मोहित शर्मा बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए आप सभी दोस्तों को देखने को मिल सकते हैं। जबकि बात करें दोस्तों मुंबई इंडियंस की तरफ से, तो रोहित शर्मा, टिम डेविस, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले हैं, जबकि इनके साथ में दोस्तों कैमरन ग्रीन, जी हाँ दोस्तों कैमरन ग्रीन, पीयूष चावला जो कि स्पिनर गेंदबाजी कराते हैं उनसे बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद लगाई जा रही है, जबकि तिलक वर्मा भी दोस्तों मिडिल ऑर्डर में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। जबकि गेंदबाजी से एक और गेंदबाज, चाहे फिर वो क्रिस जॉर्डन या राइली मेरेडिथ में से एक को मौका मिलेगा, और इन दोनों में से दोस्तों कहीं ना कहीं बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद लगाई जा रही है। जबकि निहाल बडेरा नए उभरते खिलाड़ी के रूप में जिस तरीके से आजकल बैटिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दोस्तों इनसे अच्छी गेंदबाजी की, बल्लेबाजी की उम्मीद लगाई जा रही है। जबकि लास्ट मैच में बात करें तो आकाश मधवाल जो कि दोस्तों यूपी के रहने वाले हैं, रुड़की के, इन्होंने जिस तरीके से 5 रन देकर 5 विकेट निकाले थे, कहीं ना कहीं दोस्तों इनसे एक बार फिर से उम्मीद लगाई जा रही है कि मुंबई इंडियंस के लिए बेहतर प्रदर्शन करने वाले हैं। वैसे आप सभी दोस्तों को क्या लगता है, कौन सी टीम दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला जीत करके फाइनल के लिए अपनी राहें क्लियर करने वाला है, गुजरात या फिर दोस्तों मुंबई? कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। साथ ही साथ बादशाह भाई YouTube चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके बादशाह भाई YouTube चैनल को सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें।